आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं रूबरू इंडिया। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रानीगंज से नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर आर के वर्मा के कार्यालय पर, जो प्रयागराज के सुराव में है, जहां रानीगंज से लोग बड़ी संख्या में फूल माला लेकर जीत की बधाई देने पहुंच रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और हमारी टीम ने वहाँ पर मौजूद लोगों से बात की। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रेहान। कहाँ से आए हैं आप? रानीगंज। रानी विधानसभा कौन से गाँव? चकसारा। तो अकेले हैं, कोई और आया साथ? नहीं, साथ में दो तीन लोग हैं। तो यहाँ कैसे अचानक आ गए आप? बस संपर्क कर, मुलाकात करने आए, विधायक को देने, बधाई देने आए हैं। तो क्या लगता है कि विधायक जी काम कर पाएंगे आप? जी बिल्कुल कर पाएंगे काम। धनीराम ठठेरीपुर, विधानसभा रानीगंज। रानी विधानसभा है। क्या लगता है, विधायक वहाँ से आप सब इनको बना दिए हैं, लेकिन क्या विकास कर पाएंगे? हाँ कर पाएंगे, सौर कर पाएंगे। कैसे उम्मीद है आप? उम्मीद है। किस कैसे लग रहा है? किए हैं यहाँ पर भी, किए करेंगे। क्या नाम है काका? कहाँ से आए हैं? ठठेरीपुर से। अच्छा, बड़े बुजुर्ग हैं आप, यहाँ मिलने आए हैं, कुछ काम लेकर आए? नहीं, मिलने आए है, काम के लिए सुविधा हो, यही तो काम ले भाई। हाँ, क्या करने मिलने आए? मिलने का आए है। हाँ, मिलने आए है। तो क्या लगता है आपके यहाँ कितना वोट मिला इनको? अब वोट तो इनका बहुत मिल रहा है, 16-17 जगह बढ़ गया है। हम लोग तो जीव जामा से कन्वेंशन किए, अब वोट दे जिताए, चाहे ढेर से जीते चाहे थोड़ से। अच्छा, जीत गए, हमारे से एक मन सा भर गए। कब पता लगा आपको जीत गए? अरे जीत वही दिन जो गिनती है भाई, वही दिन से लागत हुआ, मारक धाड़ हो गई रही, लपटी लपटा हो गई रही। अच्छा, हाँ फोन से बात होती रही, कहा हुआ गनाए रहे। हाँ, मतलब लगे थे कि हाँ जीत गए। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार पटेल है। कहाँ से आए हैं आप? रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से। तो आप यहाँ विधायक जी से मिलने आए हैं, कुछ काम लेकर? नहीं, विधायक जी से मिलने आए हैं। 28 वर्ष 2 दिन बाद मुझे ऐसा विधायक मिला रानीगंज में, जो पूरे संपूर्ण रानीगंज की जनता विधायक जी के नेतृत्व को लेकर खुश है। और ये लगता है कि बीसी समाज, एससी समाज, अल्पसंख्यक समाज का विधायक नहीं, भगवान मिल गए हैं। जो क्या लगता है कि आपके भगवान आप काम कर पाएंगे? श्योर 101%, नो डाउट, इसमें वो विकास की वहाँ गंगा बहाएंगे, इस उम्मीद के साथ पूरी रानीगंज। पहले जो विधायक थे वहाँ, वो ये कह रहे हैं कि काम नहीं कर पाएंगे, जो मेरा काम है वही कर पाएंगे। उन्होंने सिर्फ वहाँ पर सामंतवाद को बढ़ावा दिया, ब्राह्मण को बढ़ावा दिया, इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। एससी बीसी अल्पसंख्यक के ऊपर केवल उन्होंने मुकदमा लिखाया और उनका कोई काम नहीं रहा वहाँ। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सोहेल है। कौन सा विधानसभा है? जी मेरा विधानसभा सोराव भी लगता है, विश्वनाथगंज भी लगता है। विश्वनाथगंज लगता है। यहाँ आपके ये पूर्व विधायक रह चुके, तो कैसा रहा इनका कार्यकाल? इनका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा है। विधायक जी को एक एक बच्चा बच्चा इनके उनके दिल में है। विधायक जी को विश्वनाथगंज की जनता जो है आज भी याद करती है। विधायक जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि जाइए आप रानीगंज, वहां से कोई रानीगंज से कोई बैकवर्ड चुनाव जीत के नहीं आएगा, किसी ने ये रिपोर्ट दिया था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ, विधायक जी जो है आए, रानीगंज की जनता ने उनका भव्य स्वागत किया और विधायक जी जो है चुनाव जीते। और विधायक जी रानीगंज को जो है हीरे की तरह सजा के रखेंगे। रानीगंज उनका घर है, उनका परिवार है रानीगंज। क्या नाम है काका? सोनेलाल पटेल। सोनेलाल पटेल जी, कहाँ से आए हैं आप? हमारे नहरदोली से। विधानसभा कौन सा है? सोराव विधानसभा है। तो ये आप जानते हैं? अरे हम नहीं, बहू है उनके भाई का। अच्छा, तो यहाँ आप सब उनको चुनाव नहीं लड़ाते, प्रतापगढ़ भेज देते हैं? अरे तो यहाँ हरजन सीट है सर। अच्छा। हमारे यहाँ सोराव विधानसभा जो है हरजन सीट है। हाँ, इसलिए इनको नहीं मिला। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है काका? राम सजीवन पटेल। कहाँ से? रानीगंज क्षेत्र से हैं। रानीगंज से आए हैं। यहाँ क्या करने हैं? यहाँ बधाई देने आए हैं, जीत की बधाई देने आए हैं विधायक जी को। खुशी है, सालों बाद हमको ऐसा विधायक जो है मिले हैं। कैसा गए? क्या खूबियां हैं इनकी? खूबियां बहुत कुछ है इनके पास। इन्होंने, इनको तजुर्बा है कि विधायकी कैसे किया जाता। लोग तो ये कहते हैं कि विकास ही नहीं करते। विकास किए हुए हैं, जिस क्षेत्र में थे 10 वर्ष लगातार विकास किए हुए हैं।
रानीगंज वालों का क्या कारण है कि जो अंतर था जीत का बहुत कम हो गया? अंतर तो ऐसा है, अब दो पार्टियां लड़ती है, जीत एक से होती है, लाखों से होती है, तो जीत गए हैं, इस खुशी में मिलने के लिए आए हैं। चलिए और भी कुछ लोग हैं। मोहम्मद साहिल। क्या करने आए हैं आप? डॉक्टर आर के वर्मा जी बहुत लोकप्रिय विधायक हैं और हमारी विधानसभा सुराव विधानसभा लगती है, हमारी ग्राम दुबाही लगती है, लेकिन बहुत अच्छे लोकप्रिय विधायक हैं। मैंने इनका नाम भी सुना है। इन्होंने विधानसभा विश्वनाथगंज में रहते हुए इन्होंने दो दो मरतबा विधायक रहते हुए बहुत सारे विकास किए, इन्होंने विकास की गंगा बहा दिए हैं। क्या क्या लेके आए हैं? मिलने आप आए? गुलदस्ता लेकर के आए हैं। गुलदस्ता दिखा देना आए हैं, ये ऊपर रखे हैं। तो आप देख सकते हैं लोगों को, वहाँ लोग आ रहे हैं फूल माला गुलदस्ता लेकर, मिठाई लेकर एक दूसरे को खिला रहे हैं, खुशी इजहार कर रहे हैं। तब बताएं जी डॉक्टर साहब, तो हमने बता दिया बहुत अच्छे विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक हैं। अब रानीगंज विधानसभा में जो वोट नहीं दिया था लेकिन माला लेकर पहुंच, माला लेकर पहुंच गए, बहुत लोकप्रिय। मैंने इनका नाम सुना है डॉक्टर साहब से, बहुत अच्छा मामला रहा है विधानसभा विश्वनाथगंज से, लोकप्रिय विधायक। जब लोग रानीगंज जो इन पर विश्वास जताया है वो कामयाब रहेंगे कि नहीं? 101% ये कामयाब रहेंगे, वो तो चिलम, हाँ रानीगंज विधानसभा से ये कामयाब रहेंगे, पूरी पूरी तरीके से कामयाब रहेंगे। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार सरोज। क्या आप रानीगंज विधानसभा? बिल्कुल बिल्कुल, बाबा बेलखन्नाथ धाम। कब आए यहाँ? अभी मैं लगभग 20 मिनट हुआ। बिल्कुल। क्या लेकर आए हैं यहाँ? मैं फूलमाला लेके आया, उनको साधारण आमंत्रण से स्वागत किया और हम मुझे बिल्कुल धीरज ओझा जी, वर्मा जी, हमें विधायक जी का नाम भूल गए? नहीं नहीं कोई बात, लग रहा है 5 साल में एक ही नाम चला है वहाँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, वर्मा जी मुझे अच्छे सम्मानित किए, वर्मा जी से अच्छा संबंध है, साथ में थे? बिल्कुल बिल्कुल साथ में थे। बिल्कुल किए थे, बिल्कुल जमदारी से। हाँ, क्या कमी रह गई कि अंतर जो था वो बहुत कम हो गया? ऐसा कुछ नहीं, देखिए तमाम पार्टियां आई, MIM आई, कुछ वोटों काटे, कुछ बसपा काटी, इसलिए कुछ अंतर नहीं, तो कम से कम 20,000 वोटों से हमारे विधायक जी जीतते। आप किस ब्लॉक कौन सी है? हमारी बाबा बेलखन्नाथ पड़ता है। बाबा बेलखन्नाथ, लेकिन वहाँ पर तो इनका जो वोट परसेंट था वो बहुत कम था, क्या कारण? इसका कारण सब मेहनत नहीं कर पाए। बिल्कुल, इसका कारण क्या रहा कि हमारे जो पूर्व विधायक थे उनका कुछ प्रकोप था, जो प्रधान थे उनके माध्यम से कुछ, जो कुछ उनके निजी महत्व था, ब्राह्मण बस्ती है हमारे यहाँ नदी उस पार, इसके वजह से विधायक जी विकास करेंगे। 7 साल विश्वनाथगंज विकास किए हैं, बिल्कुल वहां से यहां आए, बैकवर्ड की कोई सीट के लिए यहां पर अच्छा विधायक चुना गया, विकास भी करेंगे, अच्छा काम भी करेंगे। तो मिठाई उठाई खिला दी? बिल्कुल बिल्कुल, अभी मिठाई तो नहीं लेके आए। बहुत दूर विधायक आपने चुन लिया है, यहां से आप विधानसभा लगभग 50 किलोमीटर? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग इलाहाबाद 10 से 12 साल पढ़ाई किए हैं, एजुकेशन किए हैं, यहाँ रहे हैं। क्षेत्र के लोग मिलने इतना दूर कैसे आएंगे? इसके बाद पैसा नहीं होगा? कोशिश किया जाएगा, विधायक जी से हमारे विनम्र निवेदन है कि वहाँ पर एक अपना बिल्कुल आवास बनाए। रानीगंज से आए? रानीगंज से है, सब रानीगंज से है। क्या नाम? अशोक पटेल। करीब यहाँ बड़ी संख्या में पटेल, ज्यादा लोग आए हैं, क्या कारण हुए हैं सर? अगले विधायक से सताए हुए पटेल बैकवर्ड जाती सारे। तो आप उनको वोट दिए थे ना, इसलिए? जी पहली बार तो दिया था सर, लेकिन इस बार तो नहीं दिया फिलहाल, पहली बार तो दिया था इसलिए सताए। आपकी बार क्यों नहीं दिया? इसलिए सताए गए थे, उन्होंने कहा कि सपा और बसा वाले, ऐसा तो नहीं आपके बिरादर से आ गए इसलिए? उन्होंने ये बोला कि आप सपा और बसा वाले हो, मैं उससे मिलने उनसे मिलने गए थे लखनऊ, उन्होंने बोला सपा और बसपा से गायब हो गई जो आप यहाँ आए हो, उस दिन के बाद से उनसे मिलने नहीं गया, और एक यही था कि कोई भी होता मैं सपा को ही वोट देता। डॉक्टर साहब को आप सब जीता के वहाँ से भेजे हैं, तो क्या लगता है कि विकास कैसा होगा? विकास जो अब तक क्या कमियां रही हैं आपके विधान सर? कमियां देखिए, वहाँ पे OBC और विधायक ये चाहता था जिसके हमने इन्होंने हमको वोट नहीं दिया, या जिस जो इसकी खिलाफत किया उसको जो है परेशान किया उसने, बस फर्जी मुकदमा मर्डर 302-307 के लिए काम किया इन्होंने। जो विधायक हैं डॉक्टर वर्मा भी, इन्होंने ये भी ऐसा कर सकते हैं कि जो वो भी ऐसा कर सकते हैं कि हमको वोट नहीं दिया विकास नहीं करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे सर, ये ऐसा करने का कोई उद्देश्य नहीं है इनका, ये अपने क्षेत्र का विकास। मिले आपको क्या आश्वासन? क्या हुई बात? आश्वासन मिला सर, सही सलामत आश्वासन मिला है, क्षेत्र में आने की भी बात हुई है, फिर समस्याओं का निराकरण भी कराया जाएगा उनके द्वारा सर। हम लोग रानीगंज, आप हैं रानीगंज? रानीगंज, क्या नाम? विजेंद्र पटेल। तो आप कहाँ से हैं? रानीगंज। मतलब गांव कौन सा है? भागीपुर टटेरी। भागीपुर से आए हैं, तो क्या लगता है कि विकास हो पाएगा?
रानीगंज का 1% होगा। क्या कमियां रही है रानीगंज में आज तक? सर रानीगंज में कमियां बहुत सारी हैं, लेकिन बहुत बढ़िया विकास करेंगे विधायक जी। और विश्वनाथगंज की जनता जो है विधायक जी के लिए रो रही है, विधायक जी रानीगंज चले आए हैं, लेकिन रानीगंज को विधायक जी जो है हीरा बना के छोड़ेंगे। डॉक्टर साहब जो है ये कह के गए हैं कि उसको जो है हीरा बना के हम छोड़ के जाएंगे। साहब ने ये कहा कि जो है हम रानीगंज जा रहे हैं, चुनाव जीत के आएंगे वहां से। तो ये श्रेय किसको जाता है? ये डॉक्टर साहब के श्रेय जाता है। काफी समय से विधायक जी साथ रहे हैं, विश्वनाथगंज आपने देखा और रानीगंज में आप प्रचार में थे, तो रानी और विश्वनाथगंज में क्या अंतर लगा? वहाँ की जनता, वहाँ के लोगों ने कैसा? देखिए अंतर कुछ नहीं लगा, और जहाँ तक देखा जाए कि हम माइनॉरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो माइनॉरिटी वहाँ की थोड़ी सी क्या है, जैसे विश्वनाथगंज के कुछ लोग, विश्वनाथगंज के रहने वाले कुछ लोग जो तकरीबन MIM को सपोर्ट करते हैं, वो रानीगंज की जनता को बहला रहे थे। उनको ये कहा जा रहा था कि विधायक जी ने वहाँ के माइनॉरिटी के साथ गलत किया, लेकिन हम नहीं, हम 7 साल से उनके साथ हैं, हमें तो नहीं लगा, क्योंकि गलत होता तो 7 साल हम रहते। रानीगंज वाले जो उम्मीद जताए हैं उनके ऊपर, चुनाव जिता कर भेजा है कम ही अंतर से सही, लेकिन जिताया है उन्होंने, तो क्या लगता है विकास हो पाएगा? जो रानीगंज की जनता जो उम्मीद जताई है उस पर कितने खड़े उतरेंगे? विकास देखना है तो आप पूरे प्रतापगढ़ में जितना विधानसभा देख सकते हैं, आप 7 साल विधायक थे, तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा 7 मीटर चौड़ी सड़कें हैं हमारी विधानसभा में, और 1 दर्जन से ज़्यादा पुल बने हैं, जो कि जब से देश आज़ाद हुआ है इतने काम कभी नहीं हुए, इतना विकास कभी नहीं हुआ। जितना भी माइनॉरिटी बात करें तो विधायक जी ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है, उनका एक वीडियो चुनाव के समय में काफ़ी वायरल हो रहा था, आप लोग काफ़ी उसको मैनेज कर रहे थे, तो क्या था मामला उसमें? क्योंकि आज भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं, अब तो विधायक बन गए हैं, अब क्या था उसमें? मामला उसमें कुछ भी नहीं था, मामला उसमें सिर्फ एक आपराधिक व्यक्ति का था, ठीक है। विधायक जी ने कभी व्यक्ति विशेष पे कभी कोई बात नहीं की, उन्होंने कभी भी अगर कोई मामला मिला भी नहीं, एक ही यही मुद्दा था। जी जी, एक ही मुद्दा था, और वो भी जो है माइनॉरिटी का क्या है कि लोग जिसे दूसरी पार्टियां हैं, भाई बीजेपी को अपना काम करना है, उनको मतलब ये लगा कि भाई अगर ये आप वीडियो वायरल कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ घूम के जाएंगे MIM। इन्हें कहीं रानीगंज वाले विधायक सुनते हैं, वो काफी दूर उनको जाना पड़ता है मिलने के लिए, तो अभी ये हम देख सकते हैं ये विधायक जी का कार्यालय है, ये सुराव में है, यहाँ से रानीगंज लगभग जो है वो 40 किलोमीटर के आसपास है, तो अगर कोई मिलने आना चाहे तो इतना दूर अगर उसके पास साधन नहीं है या पैसा नहीं है तो गरीब आदमी कैसे यहाँ पहुँच सकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर होगा विधायक जी का, नहीं भी है तो PRO साहब का है, वो BLG है, आप एक फोन करिए, विधायक जी खुद पहुंचते हैं। पूरी विधानसभा में कोई मामला होता है, छोटा सा हो, छोटा मामला हो या बड़ा मामला हो, विधायक जी जो है खुद जाके वहाँ पे सारे मामले को विधायक से मिल रहे हैं, फूल माला मिठाई लेकर एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, और बड़ी संख्या में लोग रानीगंज से आ रहे हैं। आपने यहाँ के जो लोग आए थे उनसे हम बात किया, आप देख सकते हैं ये पीछे साइड उनकी जो कार्यालय है वो यहीं पर है, जब विश्वनाथगंज विधायक थे यहीं पर वो जन सुनवाई करते थे, रानीगंज विधायक बनने के बाद भी शायद वो यही सुनवाई करें,